एक बार एक औरत बहुत दयालु थी, लेकिन उसका पति बहुत घमंडी और निर्दय था। एक दिन उनके दरवाजे पर एक गरीब बच्ची आकर खाना मांगने लगी। फिर पति गुस्से से उस पर चिल्लाने लगा। बच्ची रोते हुए बोली, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुन पति बोला, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए कल आना। बच्ची उदास होकर जाने लगी। ये सब देख पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसने पति को सबक सिखाने का सोचा। वो अपने सास ससुर को फोन करके बोलने लगी, आपका बेटा भविष्यवाणी कर सकता है। फिर वो अपनी बहन से बोली, तुम्हारे जीजू भविष्यवाणी करने लगे हैं। ऐसे ही उसने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके कहा। ये सब देख पति गुस्से से बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये सब तुम क्यों बोल रही हो। फिर पत्नी बोली, अरे अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो उस बच्ची को कल आने को कहा, क्या तुम्हें पता है कल वो बच्ची जीवित रहेगी और क्या कल उस बच्ची को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी।